हेलो स्टूडेंट्स, यू हैव स्टडीड अबाउट टी रेशियोज इन योर प्रीवियस क्लास. ओके, टी रेशियो मीन्स बेटा, टी रेशियोज मीन्स साइन कॉस टैन. दे आर सिक्स रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो. ओके, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक. There are six ratios in trigonometry. Okay, you know about sine theta. Sine theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, and cos theta is equal to bacha b by b means base by h. Tan theta is equal to p by b. You know about cot theta, sec theta, cosec theta. Cot theta is reciprocal of tan theta means b by t, and sec theta is equal to reciprocal of cos theta means h by b, and cosec theta is equal to reciprocal of sin theta means 1 by sin theta is equal to h by p. You have already studied about this formula. Okay, राइट. अब अच्छा, एक बात और जान जाओ कि अगर कुछ इस तरीके का आपको है, जैसे आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec θ. ओके, तो कोसेक थीटा की बात आएगी तो 1/sin θ हो जाएगा. ओके, एंड सेकेंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec θ, एंड tan theta is equal to 1/cot θ. Okay, and tan theta is equal to sin θ/cos θ. एक फॉर्मूला बेटा ये भी होता है. क्या होता है? tan theta is equal to sin θ/cos θ. Okay, इसी तरह से अगर cot थीटा की बात आएगी, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? cos थीटा अपॉन sin थीटा. ओके, इसको हम प्रूव कर देते हैं यहीं पर. इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, इसको हम इस तरह से प्रूव करते हैं. बेटा ये क्या हो गया? p, और ये आपका h, और ये b. इट इज दिस एंगल थीटा एंड दिस इज योर राइट एंगल मीन्स 90 degree. ओके, इन दिस ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू, हम सबसे पहले किसको प्रूव करने जा रहे हैं? टाइम थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ओके, हमें क्या प्रूव करना है? टाइम थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ये प्रूफ करना बेटा. इसको हम क्या बोलते हैं? एलएचएस. एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड. एंड इसको क्या बोलते हैं? इक्वल टू के बाद राइट साइड पड़ता है, तो राइट हैंड साइड. लेफ्ट साइड तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. ओके, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड. तो हम सबसे पहले कौन सा टर्म लेंगे? राइट हैंड साइड का. तो यहां पर हम आरएचएस इस तरह से नोट कर लेंगे, इस तरह से मेंशन करेंगे, मींस राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में कौन सा यहां पर वैल्यू है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा. क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा. ओके, यू नो अबाउट साइन थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच. क्या होता है बच्चा? पी बाई एच. एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच अगेन पी बाई एच. ओके, मल्टीप्लाई एच बाई बी, ऐसा मेंशन कर सकते हो. ओके, एच एच कैंसिल. आंसर आपका क्या आया? पी बाई बी. यू नो अबाउट पी बाई बी. पी बाई बी इज इक्वल टू, इट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा. पी बाई बी मीन्स पी बाई बी मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस. इट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा. आप कहां से? राइट हैंड साइड का आपने टर्म लिया. कौन सा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा. साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिया. इसको 1/1 करके सॉल्व करते गए. लास्ट में आपको क्या मिला? टेन थीटा मीन्स आर एच एस इक्वल टू टेन थीटा. क्या? एल एच एस. क्या आ गया? आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस
लेफ्ट हैंड साइड, ओके, मीन्स टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इट्स प्रूव्ड, ओके, बात समझ में। इसी तरह मेरा इसको भी आप घर पे सॉल्व करना, नहीं आएगा तो आप बताना। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रेजेंट क्वेश्चन, कंसीडर ट्रायंगल एसीबी, ट्रायंगल एसीबी राइट एंगल एट सी, मींस राइट एंगल एट सी मींस ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट कहां पर, यहां पर है, ये क्या है, राइट एंगल है, मींस ए 90 डिग्री है, ओके, इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स, ओके, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स, बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, एंगल ए बी सी, ओके, मिडिल बी, बी सी इज इक्वल टू थीटा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहां तक बात समझ में, क्वेश्चन समझ में आया, बेटे क्वेश्चन दो बार तीन बार चार बार, जब तक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तब तक क्वेश्चन रीड किया करो आप लोग, ओके। अब यहां पर कैसे सॉल्व करोगे इसको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओके, यहां तक बात आई। अब हम यहां पर चलते हैं बेटा, ए वैल्यू आपको फाइंड आउट है, क्या है ये, इसको क्या बोलते हो आप, बेस, बेस मीन्स इट इज द वैल्यू ऑफ बी, और ए वैल्यू क्या बेटा, एच, हाइपोटेन्यूज, एंड ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, मीन्स आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके, यू नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओके, हियर इट प्रेजेंट एच इक्वल टू 29, मीन्स ये क्या हो जाएगा 29 स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या बेटा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ओके, बी स्क्वायर, बी इक्वल टू 21 स्क्वायर, ओके, मीन्स पी स्क्वायर इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर, बात समझ में आई, पी स्क्वायर इक्वल टू, इफ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एट दैट टाइम 29 स्क्वायर इक्वल टू, 29 स्क्वायर इक्वल टू बेटा 29 स्क्वायर इक्वल टू, मैं बताया था आप लोग को कि इस तरह से आपको अगर इस तरह से रहे तो उसका आप स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, कैसे करोगे, हमने एक फॉर्मूला आपको दिया था कि 29 है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 2 × 2 × 9 करेंगे, और जो कैरी आएगा उसको हम कैरी करते जाएंगे, ओके, तो 9 × 9 जा क्या हो जाएगा 81, 8 कैरी आया, कैरी 8 हुआ, 2 × 2 = 4, 4 × 9 = 36, 36 प्लस 8 क्या हो जाएगा 8 + 6 = 14, 44, 4 कैरी हुआ, इसके बाद 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, क्या आ गया बेटा 841, 29 स्क्वायर की वैल्यू 841, ओके, माइनस 21 की, 21 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो क्या आएगा 441, पी स्क्वायर इक्वल टू जब माइनस करे, माइनस करोगे बच्चा तो क्या आ जाएगा 400, तो पी इक्वल टू बेटा √400, मीन्स पी इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई 20, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 20, मीन्स यहां पर क्या होना चाहिए, आपने इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज, टी रेशियोज मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मीन्स साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, ओके, तो यहां से अगेन हम इसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ओके, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम कॉस थीटा की वैल्यू लेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम अलग अलग करते हैं, ठीक है, अलग अलग करेंगे आपको समझ में अच्छे से आएगा, ओके, सबसे पहले हम कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा,
ओके okay? इसी तरह साइन स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फिर साइन स्क्वायर थीटा ओके okay? यहां से हम चलते हैं कॉस थीटा इक्वल टू बेस बी बाई एच ओके बी इक्वल टू बी एच एंड पी ओके कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच मीन्स 21 बाई 29 बात समझ में ओके कॉस स्क्वायर थीटा 21 बाई 29 इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 21 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर यहां तक समझ में आया ओके कॉस स्क्वायर थीटा आपने इसकी वैल्यू यहां फाइंड आउट कर लिया अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे किसकी साइन थीटा की अगेन साइन थीटा इक्वल टू P by H, okay? What is the value of P? Value of P is equal to 20. 20 by value of H is equal to 29, okay? This is 20 by 29 is the value of sine theta. At that time, sine square theta is equal to 20 square whole by 29 square. Okay? बच्चा अब यहां पर 21 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर 21 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 441 ओके होल बाई 29 का स्क्वायर करोगे 841 आपने इसका 29 स्क्वायर की वैल्यू अभी पीछे आपने क्या किया था साइन थीटा की वैल्यू 20 बाई 29 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 20 स्क्वायर बाई 29 स्क्वायर 20 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 400 20 मल्टीप्लाई करोगे 400 29 स्क्वायर की क्या आ जाएगी 841 यहां तक बात समझ में आई ओके देन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 441 बाई 841 ओके मीन्स यहां 441 बाई 841 ओके साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 400 बाई 841 प्लस देन प्लस 400 बाई 841 ओके बेटा जब सॉल्व करोगे यहां पर एक एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 841 ही होगा फोर फोर्टी वन प्लस फोर हंड्रेड इज इक्वल टू एट फोर्टी वन बाई 841 ओके 841 कैंसिल कैंसिल जीरो नहीं आएगा 1 1 1 by 1 = 1 इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या ये आपका आंसर ए इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 ये आपका ए आंसर यहां पर बात समझ में आई इसी तरह आप कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ओके इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन नंबर सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 441 बाई 841 ओके एट दैट टाइम 441 बाई 841 माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 400 बाई 841 ओके एट दैट टाइम 400 बाई 841 841 बोथ आर सेम देन 441 माइनस 400 इज इक्वल टू 441 माइनस 400 इज इक्वल टू 41 बाई 841 इट इज द वैल्यू 41 बाई 841 इट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इट्स इज द आंसर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओके मीन्स कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चा यहाँ पे 41 बाई 841 41 बाई 841 ओके मेरे इसका आंसर दोनों सॉल्व हो गया दोनों क्वेश्चन आपके क्या हो गए सॉल्व हो गए बच्चा समझ में आया अगर इफ यू हैव एनी डाउट ओके यू कैन आस्क विद द हेल्प ऑफ व्हाट्सएप नंबर और यू कैन कॉल द कॉल
बच्चा देयर आर फाइव एग्जांपल्स इन योर चैप्टर एट। ओके बेटे, पांचों एग्जांपल आप घर पे सॉल्व करना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ लेना, ठीक है। मैं सीधा एक्सरसाइज पर आ रहा हूं, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फाइंड टैन टी माइनस कॉट आर, ओके, इन दिस फिगर। ओके, क्वेश्चन में आपके बेटा ये दे रखा है, ये फिगर आपका दे रखा है और उसने क्वेश्चन क्या किया है, टैन टी माइनस कॉट आर। ओके, हम इसके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सी इन योर ट्रायंगल, ओके, ट्रायंगल पी क्यू आर वेयर एंगल क्यू इज इक्वल टू राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। ओके, पी क्यू इज द परपेंडिकुलर लाइन मीन्स पी, ओके, एंड क्यू आर इज द बेस लाइन ऑफ दिस ट्रायंगल एंड 30 इज द हाइपोटेन्यूज लाइन ऑफ दिस ट्रायंगल। बच्चा यहां पर इसने परपेंडिकुलर दे रखा है, क्या दिया है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 12 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है बेटा, 13 है। आपको पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, डू यू नो अबाउट पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा, बी की। हम डायरेक्ट बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इसको ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, वैल्यू ऑफ एच इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी इक्वल टू 12 स्क्वायर। ओके, 13 स्क्वायर इक्वल टू 169 एंड 12 स्क्वायर इक्वल टू 144। ओके, एंड 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। ओके, 25 इज द इक्वल टू बी स्क्वायर, देन बी इक्वल टू अंडर रूट 25 मीन्स 5। ओके आपके बेस की वैल्यू क्या आ गई, 5। बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब इजीली आप बेटा टी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो, कौन कौन से, साइन कॉस टैन कॉट एंड कोसेक। यहां पर किसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चा, टैन पी माइनस कॉट आर की, किसकी, टैन पी माइनस कॉट आर। बच्चा अब यहां मैं आपको एक बार बताया था, जब पी की बात आएगी, जब इस पी को मुझे पी को जब हम लेंगे, कौन से, इस पी एंगल को लेंगे, एट दिस टाइम दिस इज योर परपेंडिकुलर लाइन एंड इट्स योर बेस, हाइपोटेन्यूज लाइन हमेशा सेम रहेगी। जब हम यहां से देखेंगे इसको, जब यहां से सीन करेंगे बच्चा, तो जो जस्ट सामने की जो आपको आर्म नजर आएगी, सामने की जो साइड नजर आएगी, यहां से जब आप सीन करोगे, कहां से, इस पी पॉइंट से, पी पॉइंट से सीन करोगे तो जस्ट इसके सामने जो आर्म नजर आएगा, जो साइड नजर आएगी, वो इसकी क्या हो जाएगी बेटा, इसके लिए ये बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी और ये लाइन क्या आ जाएगी आपकी, बेस लाइन। बात समझ में आ रहा है, मीन्स इसको आप किस तरीके से, जब हम पी को, पी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पी की बात करेंगे, तो पी की बात करेंगे तो इस एंगल को थोड़ा सा हम इस तरह से क्या कर रहे हैं, टेल कर देना है, इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज, तो इसको हम थोड़ा सा ये किस टाइप से बन जा रहा है, इसको हमने क्या बना दिया, इस तरीके से। ओके, और एक कहां चला गया, थोड़ा सा अप ऐसे, और इसको इस तरह से कर दिया, आपका ए पॉइंट क्या आ गया बच्चा, जब इसको हम इस तरह से पकड़ के ऐसे टर्न कर दिए तो आपका यहां पर क्या आ गया, पी आ गया, तो यहां पर मैंने क्या शुरू कर दिया, पी। यहां तक बात समझ में आई, ओके। अब ये आपका क्या बेटा, 90 डिग्री, मीन्स ए क्या है आपका, क्यू, और ये पॉइंट क्या आ गया, आर। ओके, पी क्यू, पी क्यू इक्वल टू 12, पी क्यू इक्वल टू 12, ये आपका इसकी वैल्यू क्या है, 12। ओके, क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, 5, तो यहां से क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 5। आर पी, आर पी इज इक्वल टू 13, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। यू कैन इजली फाइंड द वैल्यू ऑफ पी,
ओके मीन्स tan p इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा, tan इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू बेटा p बाई बी हियर p इक्वल टू 5 b इक्वल टू 12 tan p के प्लेस पर आप क्या बच्चा यहां पर मेंशन कर सकते हो, tan p के प्लेस पर हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं बच्चा, tan p इक्वल टू 5 बाई 12। यहां तक बच्चा बात समझ में आई, समझ में आई अच्छे से, ठीक है। अब हम किसके पास चलते हैं, इस cot r के पास चलते हैं, किसके पास, cot r के। अब जब r की बात आएगी तो हम सीन कहां करेंगे, इस r के पॉइंट से, यहां से सीन करेंगे बच्चा, कहां से सीन करेंगे, यहां से सीन करेंगे। तो यहां से जब सीन करोगे, यहां से जब आप देखोगे तो इसके जस्ट सामने का जो r जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन, और ये जिस पर है वो क्या होगी, बेस लाइन। तो यहां पर जस्ट इसके लिए आप यही फिगर से यहां पर फाइंड आउट करोगे, तो माइनस cot r, what is the formula of cot theta, tan theta is equal to beta, tan theta is equal to bacha, tan theta is equal to perpendicular by base, p by b, you know about cot theta is equal to reciprocal of tan theta, means 1 by tan theta, means 1 by p by b is equal to b by p, okay, cot theta ki value b by p, means base by perpendicular। बच्चा मैं बार बार फार्मूला इसलिए बार बार यहां पर मेंशन कर रहा हूं आपको लर्न हो जाए, ओके, देखो इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे cot थीटा की वैल्यू b बाई पी, यहां cot r है तो cot r की वैल्यू यहां पर b बाई पी मीन 5/12 हम यहां पर पुट अप कर देते हैं, ओके। बस मैं फार्मूले को बार बार इस तरह से आप राइट कर रहा हूं कि आपको लर्न हो जाए। तो cot r की वैल्यू बेटा, cot r इक्वल टू क्या वैल्यू आपने फाइंड आउट किया, b बाई पी, बी मीन्स 5, पी मीन्स 12, मीन्स 5/12, ओके। इसको बेटा मैं इरेज कर दे रहा, 5/12 माइनस 5/12 बोथ आर कैंसल एट दैट टाइम, और आंसर इज 0, tan p माइनस cot r इज इक्वल टू 0, 0 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में, ठीक है।